अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। तो भाई फिलहाल हम रोहतक के विजयनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ये महिला मौजूद है, इन्होंने स्पेशल कॉल करी थी, सुबह दो तीन बार कॉल करी हैं कि भाई इनके साथ कोई दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी हुई, एक बार इनसे बात कर लेते हैं, मामला क्या है। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। ये मास्क हटाओ पहले सर, मास्क क्यों नहीं हटाओ, आप चोर हो। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या मामला है सर? मैं यहाँ किराए पर रहती थी इनके सर, मैंने ये कह रहे हैं कि किराया नहीं दिया, मेरी एक महीने की तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ठीक है सर। मैंने मकान लिया, मैंने 12 महीने की कह के लिया था, इन्होंने दिया, खुद सफाई करी, खुद सब कुछ किया, मैंने तो 4 दिन के बाद शिफ्ट किया सर। इसका भतीजा है हिमांशु, मैं अकेली रहती हूँ मेरे बच्चे के साथ डिस्ट्रिक्ट वन। पूरे मकान में अकेले रहते हो? इस पूरे मकान में नहीं सर, ऊपर के पोर्शन में अकेली रहती थी, नीचे जगमंदर रहता है, उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ रहती है, और इसका भतीजा रहता है सर हिमांशु बरले घर में, ऊपर से छत पे से विरासता है, सारी चीज़ें हैं, ईंट हटाई हुई हैं, अब लगा दी मुझे नहीं पता सर, कल तक हटाई हुई थी। इनके सारे परिवार, ये सारा इनका परिवार, घर परिवार है, ये गलत नज़र रखते थे। मैंने इनका ऑब्जेक्शन किया, मैंने ये कह दिया सर खाली कर देंगे। मैं पिछले इस 1 तारीख को तो तक का तो सर मेरा किराया था, महीना हो चुका, मैंने कहा था सर 20 तारीख को शिफ्ट करना था, मैं घर ढूंढ रही थी, कल 11 तारीख की रात को 3:15 बजे के आसपास ये दोनों चाचा भतीजा ऊपर आए, इन्होंने दरवाज़ा बजाया, मैंने खिड़की से देखा, उसी टाइम मैंने मेरी मदर के पास फ़ोन किया, मैंने एक आंटी हैं उनके पास फ़ोन किया, मेरी कॉल डिटेल निकलवाई है, सारी चीज़ निकलवाई है, फिर मैंने एक नंबर पे और कॉल किया, उससे मेरी बात नहीं हो पाई, उन्होंने ये कहा आप रुक जाओ, दरवाज़ा मत खोलो, चाहे कुछ भी हो, आप हम सुबह आते हैं, आप सुबह कार्रवाई कर लेना। ये दरवाज़ा पीट पीट के आ गए सर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं और मेरी गुड़िया अकेली थी। फिर सर मैंने सुबह 112 पे कॉल करी, 112 आई यहाँ पर, 112 आने के बाद मैंने सारा बताया उनको, 112 को, उन्होंने काकनसन थाने में आप जाइए, आपकी दरखास्त लिखी है, हम चलते हैं, आप हमारे पीछे पीछे आइए। मेरी स्कूटी यहाँ अंदर खड़ी थी सर, ठीक है, मैंने वीडियो भी बना रखी थी, मेरा फ़ोन छीन लिया इन्होंने, मेरे साथ मारपीट करी, मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया, फिर भी गूगल आईडी भर के सर मैंने कोशिश करी है, वो सारी सीडियाँ वीडियाँ मैं कर रही हूँ, कोशिश करूंगी पेश, ठीक है। मेरे साथ मारपीट करी, किसने की मारपीट? मारपीट हिमांशु ने, हिमांशु के चाचा जगमंदर ने, और सामने जयबीर रहता है, इसने, इसका भाई है, पहले भी इसके बारे में बात हुई थी मेरी है, और इस बात का सबूत सरस्वनी भी है, एएसआई, उसको भी मैंने यही बोला था सर हम खाली कर रहे हैं, बस कुछ एक टाइम जैसे ही मिलता है जैसे ही खाली कर देंगे। इन्होंने घसीट के मुझे अंदर कर दिया, मेरे साथ मारपिटाई करी, छिन्ना झपटी करी, मेरे गले से चैन, मेरे हाथ से कड़ा, जिसकी मैं प्रूफ, जिसका बिल है मेरे पास, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी सर सब सारी चीज़ें। मेरे साथ मारपीट आई, मेरे बाल पाड़ने की कोशिश करी, घसीट के मुझे भीतर लेके चले गए। सुनोगे? हाँ जी। आपने कितने दिन पहले ये रूम, जो कमरा है, ये किराए पे लिया था? सर मैंने जून से शुरू किया था, मैंने लिया था मई के लास्ट में सर। मई में मान लेते हैं। हाँ जी। तो कितना किराया अब तक दे पाए हो? सर मैं पूरा किराया दे रखा है सर। पूरा किराया दे रखा? हाँ है। लेकिन इन परिवार के साथ आपका झगड़ा किस वजह से था, क्यों? सर, ये मेरा कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा यही था कि इनकी गलत नीयत थी, मुझे खाली करना। अगर आपको लग रहा था इनकी गलत नीयत, आप तो अब खुद जाने चले जाते? तो मैं खुद ही जा रही थी सर, मैं खुद ही जा रही थी। मैंने ये क्या जबरदस्ती रखना चाहते थे सर? ये इनको ये था कि ये मैंने दरखास्त दी, इन्होंने जो हरकत करी, ये मेरा रेप करना चाहता था सर हिमांशु और जगमंदर, मैंने इसकी विरोध किया, इन्होंने दरवाजा बजाया, सुबह मैंने 112 पे कॉल करी, कॉल करके जैसे पुलिस आई मैं थाने जा रही थी सर, ऑन रिकॉर्ड चीज है। हिमांशु और जगमंदर एक्चुअल में रिश्ते में कौन है? चाचा भतीजा है सर, बड़े भाई का बेटा हिमांशु, और ये जहाँ मैं रह रही हूँ ये नीचे रह रहा है जगमंदर जी। तो आपको पिटा, आपकी फिर रात ने कितने बजे? 6 बजे? 6 बजे नहीं सर, 3:15 के आसपास दिन में, सुबह सर, सुबह 3 बजे आपके पास क्या करने आए? दरवाजा बजाया सर इन्होंने, मुझे नहीं पता ये क्या करने आए। तो आपके साथ मार पिटाई करी? सुबह नहीं करी सर, मैंने दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने फोन किया अपने घर पे किया। मेरी मदर सोमवार को ही गई थी सर, यहाँ थी मेरी मदर शुक्रवार से। तो उसके बाद मार पिटाई सुबह कितने बजे करी? सुबह सर 6 बजे जब मैंने PCR आ ली थी, और मैं उन्होंने PCR के सामने मार पिटाई करी? नहीं, PCR जा ली थी सर, कह रहे थे आप पीछे पीछे आइए, मैं स्कूटी निकाल रही थी, PCR निकली ही थी सर। अच्छा, आपने वीडियो में मेरे को ना फोन करके एक बात भी बताई थी कि मेरा कोई सामान भी बाहर फेंक दिया। हाँ सर, ये फेंक रखा, तोड़ फोड़ भी हुई है सर सामान के, हटा के देखिए। चलो देख लेते हैं भाई। राकेश हटाइए,
ये सामान जो है इनका रूम से बाहर निकाल दिया गया है। ये तो जो आपका नाम क्या है? पूजा। मास्क हटाओ प्लीज। पूजा जी कह रहे हैं कि भाई ये जो सामान यहाँ पे बाहर जो रखा है वो मकान मालिक ने बाहर फेंका है, ना कि इन्होंने बाहर निकाला। हाँ सर, सुबह रखा इन्होंने, साइड किया है तो यहाँ पड़ा हुआ था सर। 112 वाले जो रिकॉर्ड करके ले जाते हैं उसमें भी है सर। चलो तो एक बार हम दूसरे पक्ष की सुन लें। हाँ जी सुन। आप चाहते क्या हो? सर मैं न्याय चाहती हूँ। अब इस मकान में तो आपको नहीं रहना ना, वो सर, तो खाली मेरा कर दिया। तो हाँ इन्होंने फेंक दिया मेरा तो सामान ही बाहर है। मुझे इस मकान से कोई मतलब ही नहीं था सर, मैं तो वैसे भी खाली करने वाली थी। क्या होता है पूजा जी, पड़ोसी, आस पड़ोस, परिवार, और अगर देखो एक्चुअल बात ये है कि रियल में आपके साथ ऐसा हुआ है जैसा आप बोल रहे हो तो गलत हुआ है। हाँ सर, और उसको आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, पुलिस प्रशासन कहाँ है तो वो सब चीजें देख लेगा, लेकिन एक बार हम बात कर ले सबसे। हाँ सर, कर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि एक महिला के साथ अगर इन्होंने जिस तरीके से बताया है, अगर ये सब इसके साथ हुआ है, मारपीट हुई है, सामान बाहर फेंका गया है या बदतमीजी करी गई है, कपड़े भी फाड़ रखे इन्होंने बताया। ये देखो तो इन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं सर इसके बेटे। तो भाई ये इस तरह के आरोप इन्होंने जो लगाए हैं, ये मामला टोटली पड़ोसी यहाँ मौजूद है, पूरी टीम यहाँ मौजूद है, तो पड़ोसी भी हैं और मकान मालिक भी है, सब एक साथ मौजूद हैं। तो जी बात कर ले। हाँ सर बिल्कुल, सब कुछ ही नहीं कहा है सर, गड़ी भी इनकी है, सब कुछ ही नहीं होता है। ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। कमी सर प्रूव करवा दो या मैं कर दूंगी। तो अभी एक भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ये भाई दूसरा पक्ष हमारे साथ जुड़ा है, जिसमें हमें दोबारा बताना कॉलोनी, ये बागवाड़ी गली विजयनगर, बागवाड़ी गली विजयनगर पर झज्जर चुंगी में रोहतक में है। हमने एक वीडियो भी अभी आपको दिखाई दी, जिसमें एक पूजा नाम की महिला काफी आरोप लगा रही है मकान मालिक के खिलाफ, चाचा भतीजे के खिलाफ। अब ये एक शख्स हमारे साथ जुड़ा है, कौन है मालूम नहीं, बात कर लेते हैं। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई साहब, परिचय प्लीज। मैं भाई साहब, मेरा नाम पदम सिंह डुल है, गांव मेरा भगवतीपुर है, मैं शीतल नगर से हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। कोरोना काल में बड़ी समाज की सेवा। ये बताओ कोरोना काल, ये मामला मेरे पास अनिल एमसी का फोन आया जी, पदम भाई ऐसे ऐसे मामला है, आप आ जाओ, रिपोर्ट दे रखे। हम एसपी साहब के पास से अभी आए हैं यहाँ, इन्होंने जैसे ये हमारी बहन बता रही है कि मेरे साथ वो करे, यहाँ के पूरे कम से कम 150-200 आदमी अभी एसपी साहब के पास से ही आए हैं। अभी आए हो आप? हाँ अभी आए हैं। अच्छा। मैं न्यू रह गया, मैंने एक बार बाजार जाना था, ये बोले चाय बनवा दी, आप दो मिनट बैठ जाओ। एक नेताजी में एक बात करना चाहूंगा। नहीं हूँ मैं, बैठ नहीं, चलो आप जो भी हो, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। बोलो। जैसे ये जो बहन है, हाँ बहन की मैंने सुन ली, सुनो, जिस तरीके से इन्होंने अगर बताया है कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ छीना चपटी हो, ये मारपीट करने की कोशिश करिए, कपड़े फाड़े, और नियत गलत थी, वो रेप तक के आरोप लगा रही है इस तरह की, तो ये तो गलत है साहब। भाई साहब बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि इस घर में ना, शीतल नगर में रहते हो, आपको क्या मालूम? क्यों, मैं सामाजिक आदमी, आता जाता इनसे सूरी सारी बात बूझी है भाई, जो इस परिवार के सदस्य है, सारी बात बूझ कर दूध का दूध है। मानसु कौन है? ये मास्टर जी है, इनका लड़का है, लेडीज रही, सारी एसपी साहब दोहरे आए हैं। नमस्ते। हाँ भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, ये नाम भाई तेरा? जगमेंदर नाम है। जगमेंदर, जो जगमेंदर भाई, जो ये जिस तरह से पूजा जी ने बताया है कि जिसने कर, जगमेंदर भाई जिस तरीके से इस जो ये जो लेडी है इसने आरोप लगाए हैं डायरेक्ट, आप लोग गलत नियत रखते थे, रात को 3 बजे उनके घर में, देखो अगर वो रेंट पे रहती है तो घर उन्हीं का है, मान लो कोई भी अगर रेंट पे रहता है तो उसकी वो अंदर प्राइवेसी है, आपने और आपके भतीजे मानसु ने 3 बजे उनके दरवाजा धकाया है, गाली गलौज करी है, मारपीट करी है, कुछ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल गलत। कपड़े किसने फाड़े उसके? अपने आप फाड़े हुए, ठीक है। क्यों ऐसा क्या है आप लोगों के बीच में? अपने आप ये खाली करने के लिए इसको बोला था कई दिन से, मैं ये कर दूंगी, मैं वकील हूँ, ये हूँ, मैं हूँ, पूरी पब्लिक खड़ी है आपके पास, पूरा समाज खड़ा है, मेरे को कोई एक आदमी भी ये बता देगा कि गलत है। आपने मारपीट करी या नहीं करी? नहीं जी, नहीं करी, नहीं करी। और आपने मतलब जिस तरीके से वो कह रही है भाई, कंटिन्यू मेरे ऊपर गलत नजर रखा करता हूँ, बिल्कुल नहीं जी। हिमांशु, हिमांशु भतीजा जी, बच्चा है जी, मेरा छोटा है, सुनो भाई, एक मिनट, इसका आरोप जो इसका है ना, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, ये एक आवारा किस्म की है, आवारा किस्म की है, मेरे पास प्रूफ है,
क्या प्रूफ है? जैसे कोई आता है कोई जाता है, ये पूछ नहीं सकते हम किससे, क्यों दबाओ इसका? मैं कोई कोई आवाज़ हाँ, इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर है हमारे ऊपर, प्रेशर है, वकील हूँ मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट।